आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र चूंकि पूरी तरह से ढाणियों में बसा हुआ है और ढाणियां गैर आबादी क्षेत्र में आती है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा गैर आबादी क्षेत्र में स्वीकृत सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार घरेलू कनेक्शन के लिए 500 मीटर दायरे तक निर्धारित शुल्क 3800 रुपए लिया जाता था, किंतु 6/11/15 को एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के तहत जो ढाणियां दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना से सर्वे में नहीं आई है उन ढाणियों में गैर आबादी क्षेत्र के अंदर उन ढाणियों में विद्युत कनेक्शन करने के लिए 100 रुपए पर मीटर की दर से अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जा रहा है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो उन्होंने नया आदेश निकाला है उसके तहत एलटी लाइन से गैर आबादी क्षेत्र के अंदर जो हम विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए एलटी लाइन से 200 मीटर दूर पे है तो वहां पे 20,000 रुपए उनका डिमांड नोटिस आ रहा है, उस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम अपने एमएलए लेट से भी यदि उसमें पैसा दे रहे हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने का जो नया आदेश निकाला है उसमें कुछ संशोधन किया जाए ताकि गैर आबादी क्षेत्र के अंदर ढाणियों में जो विद्युत कनेक्शन होता है उसमें राहत मिले जाए। धन्यवाद सर।